الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم سامعین کرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اللہ نے یہ مبارک دن یہ مبارک وقت یہ مبارک موقع یہ مبارک سعادتیں ساعتیں ہم کو نصیب فرمائی ہے اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس نعمت سے اور اس رحمت سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج یوم العید ہے اور عید کے دن کی سب سے بڑی عظمت اور شان والی تسبیح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت سے جھوم جھوم کر پڑھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تیری دربار بے کس پناہ میں حاضر ہو چکے ہیں، تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد محترم سامعین اکرام، آج ہم قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک شان و عظمت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ عید الفطر کا مبارک موقع اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو اس لیے نصیب فرمایا ہے کیونکہ ہم نے رمضان جیسی مبارک سعادتوں برکتوں اور رحمتوں سے سرفرازی حاصل کی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ ذرا غور کریں، اللہ کے بندوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم مولا، آپ نے رمضان المبارک شریف کو اتنی فضیلتیں اور برکتیں کیوں عطا فرمائی؟ تو رب کریم جب کبھی اپنے بندوں کو اپنے دربار میں دیکھتا ہے
तो अपने महबूबों की तरफ, अपने प्यारों की तरफ, अपने बंदों को पलट देता है। कहा कि मैंने तुम्हारे दरमियान में उलमा और सूफिया को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अपने दीन का हर मसला उनसे सीख लो, उनसे समझ लो, उनसे जान लो। तो जब हमने उलमा और सूफिया से पूछा कि ए अल्लाह के प्यारे बंदो, ज़रा बताओ तो सही कि रमज़ान मुबारक शरीफ को इतनी बड़ी फजीलत क्यों दी गई है कि वह तमाम महीनों का सरदार हो गया है। वह जब आ जाता है तो बरकतों और रहमतों का नुज़ूल हद से ज़्यादा हो जाता है। साल भर जितने बंदों के ऊपर जितनी रहमतें होती है, रमज़ान के सिर्फ एक दिन में अल्लाह उतनी रहमतें फिर से दोबारा अपने बंदों पर नाजिल कर देता है। बल्कि ये जब अल्लाह का फजल होता है तो रमज़ान के हर दिन में सुबह और शाम 70,000 दोज़खियों को निकाल कर जन्नत में मुंतकिल किया जाता है। ए अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे बंदो, उलमा और सूफिया बताओ रमज़ान को इतनी बड़ी फजीलत क्यों मिली। तो उलमा ने बताया, इसलिए रमज़ान को इतनी बड़ी फजीलत मिली क्योंकि रमज़ान में लैलतुल क़द्र शरीफ है। लैलतुल क़द्र की वजह से रमज़ान को इतनी बड़ी सआदत नसीब हुई कि वो तमाम महीनों का सरदार बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें लैलतुल क़द्र है। अब जरा गौर करो दोस्तों, हमने पूछा उलमा और सूफिया से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र को इतनी बड़ी सआदत क्यों अता फरमाई, लैलतुल क़द्र को इतना बड़ा मुकाम क्यों मिला, लैलतुल क़द्र को इतनी बड़ी अजमत क्यों मिली, लैलतुल क़द्र को यह शान नसीब क्यों हुई कि वो जिस महीने में आ जाए वो महीना सारे महीनों में मुमताज हो जाए। लैलतुल क़द्र जिस महीने में आ जाए वो महीना हजार महीनों से ज्यादा अफजल आला और बेहतर हो जाए। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सूफिया ने फरमाया लैलतुल क़द्र को ये फजीलत इसलिए दी गई है क्योंकि लैलतुल क़द्र में नुज़ूल कुरान हुआ है। जरा सुभान अल्लाह, इतना हल्लू, हाँ पूरे प्योर है ना। आज ईद के दिन बाजू वालों को माफ़ी है, आप तो खुश हो जाओ कि आप नबी पाक का सदक़ा लूटने आए हैं, जिंदा नबी का सदक़ा लूटने जिंदा ग़ुलाम तशरीफ़ लाए हैं। अब जिसका नबी इंतकाल कर गया है वो आज महरूम है अपने नबी की रहमत से, और जिसका नबी वह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है वो कौम सदक़ा लूटने के लिए तशरीफ़ लाई है। तो एक मरतबा ज़ोर से, हाँ तो जो ज़ोर से बोलता रहेगा उसको सुबहानअल्लाह का सदक़ा भी और नबी का सदक़ा भी मिलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, हमने पूछा कि भाई रमज़ान मुबारक को अजमत मिली तो शब क़द्र की वजह से, शब क़द्र को अजमत क्यों दी गई? तो जवाब मिला, शब क़द्र को अजमत इसलिए दी गई है, शब क़द्र को फजीलत इसलिए दी गई क्योंकि उसमें नुज़ूल कुरान हो रहा है, क्योंकि उसमें नुज़ूल कुरान हो रहा है। ज़रा एक मिनट बैठ जाते हैं, कुछ चांदी बिठा लेने दीजिए। वैसे ये लाल कारपेट भी बहुत पाक नज़र आ रही है। चलो बात जल्दी बिछा पा। सैयदना मुहम्मद वाला अली वसाबी अफजल सलावाती का वादद मालूमाती का वबारिक वसलम सलातों व सलामन अली का या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अली का या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी का वसल्लम। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पूछा गया लैलतुल क़द्र को फजीलत किस लिए मिली? तो जवाब मिला, इसलिए लैलतुल क़द्र को फजीलत मिली क्योंकि उसमें कुरान नाजिल हुआ है। प्यारे दोस्तों, हमने पूछा, अरे कुरान इतने अजमत वाला, बरकत वाला, शान अजमत वाला है कि वो जिस रात में नाजिल हो जाए वो रात एक हज़ार महीनों से ज़्यादा फजीलत वाली, और वो रात जिस महीने में आ जाए वो महीना तमाम महीनों का सरदार। हमने पूछा कुरान को इतनी बड़ी फजीलत क्यों मिली? तो कुर्बान जाओ, सूफिया और उलमा ने जवाब दिया, कुरान को इतनी बड़ी फजीलत इसलिए नसीब हुई क्योंकि कुरान मुस्तफ़ा पर नाजिल हो रहा है, हबीबे पाक पर नाजिल हो रहा है, दोनों जहां के दाता पर नाजिल हो रहा है, अली व फातिमा के लाला पर नाजिल हो रहा है, और अंबिया के इमाम पर, मालिक जन्नत पर नाजिल हो रहा है, इसलिए कुरान को फजीलत हुई। हो सकता है इस हजारों के मजमूए में किसी को यह ख्याल आ सकता हो, मौलाना कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम को नबी पर नाजिल होने की वजह से फजीलत कैसे? क्योंकि वह कलाम के एतबार से खुदा का कलाम है, इसलिए वो खुद फजीलत वाला है, नबी पर नुजूल की वजह से फजीलत नहीं। हो सकता है किसी कमजोर जहन में ऐसा सवाल आ जाए, आओ इस बात को भी हम साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ नबी के मुकाम पर, कि आप जरा गौर कीजिए, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, जबूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, सहीफ़ सुलेमानी भी अल्लाह का कलाम है, सहीफ़ इब्राहिम भी अल्लाह का कलाम है, सहीफ़ आदम भी अल्लाह का कलाम है, कलाम तो सब है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन रब्बे करीम खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, तौरात जबूर इंजील पर हमने फुरकान हमीद कुरान मजीद को फजीलत अता फरमाई है। हमने पूछा सूफिया से, अरे जब कलाम है तौरात भी अल्लाह का है और जबूर इंजील भी अल्लाह का कलाम है,
کام ہے پھر قرآن کو فضیلت کس لیے اور ان کی فضیلت قرآن سے کم کیسے ہو گئی تو صوفیہ نے جواب دیا بے شک کلام کلام ہے کلام پر کلام کو فضیلت ہرگز نہیں ہوتی کیونکہ سب اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کو کلام الہی ہونے کے باوجود بھی فضیلت اس لیے توریت و زبور و انجیل پر دی جا رہی ہے کیونکہ وہ کسی اور پر اور یہ مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے حبیب پاک پر نازل ہو رہا ہے دونوں جہاں کے شاہ وہ امام پر نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ان سے نسبت پا جاتے ہیں وہ ممتاز ہو جاتے ہیں وہ برکت والے ہو جاتے ہیں آپ قربان جاؤ اپنے مسلمان ہونے پر اللہ نے آپ کو ساری قوموں پر فضیلت دی یہودیوں کا پیدا کرنے والا بھی خدا عیسائیوں کا پیدا کرنے والا بھی خدا مجوسیوں مشرکوں کا پیدا کرنے والا بھی خدا لیکن فضیلت آپ کو ہے ملت ابراہیم آپ کو کہا جاتا ہے امت محمدیہ آپ کو کہا جاتا ہے دوزخ بنائی گئی بوروں کو ڈالا جائے گا آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا ہم نے پوچھا مولا جب بنائے دو تھے تو اوروں کو بھی ڈالنا چاہیے تھا صرف ہم کو کیوں ڈالا جاتا ہے تو رب نے جواب دیا سب تو سب کو مانتے ہیں مگر تمہارے کیا کہوں کہ تم مصطفیٰ کو مانتے ہو اس لیے تم کو جنت میں ڈالا جائے گا حالانکہ آپ غور کرو کتاب تمہارے پاس بھی ہے تو کتاب ان کے پاس بھی ہے نام الگ ہوں گا کسی کے پاس بائبل ہوگا کسی کے پاس بھگت گیتا ہوگا کسی کے پاس رامائن ہوگا تو کسی کے پاس وید ہوگا تو کسی کے پاس قرآن ہے کتاب سب کے پاس ہے پوائنٹ نوٹ کیا جائے بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں خدا آپ کے پاس ہے خدا ان کے پاس ہے آپ اللہ کو اپنا خدا مانتے ہو وہ کسی اور کو اپنا خدا مانتا ہوگا خدا تو سب کے پاس ہے اس کا بھی ایمان ہے اگرچہ کہ وہ پتھر یا جھاڑ بیل پر ہوگا لیکن آپ کا ایمان خدا کی ذات پر ہوگا ایمان تو اس کے پاس بھی ہے آپ کے پاس مسجد ہے اس کے پاس مندر ہے آپ کے پاس مکہ معظمہ ہے تو مجھے کہنے دو اس کے پاس تروپتی ہے لیکن دوستو فضیلت آپ کو دی جا رہی ہے عظمت آپ کو دی جا رہی ہے جنت ہم کو دی جا رہی ہے ہم نے پوچھا مولا سب کے پاس سب کچھ ہے جنت نہیں ہے جنت ہم کو دی جا رہی ہے تو کہا اس لیے کہ تم جنت کے سرداروں کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو خاتون جنت کے بابا کو ماننے والے ہو اس لیے اس کے صدقے میں تم کو جنت دی جا رہی ہے غور کرو دوستو ہر مذہب میں مساوات ہے برابری ہے ہر مذہب میں عبادات ایک جیسی ہے لیکن خدا کی قسم ہمارے پاس محمد الرسول اللہ ہے کسی اور کے پاس محمد الرسول اللہ نہیں ہے اور ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کسی کو تکلیف لگی تو واپس دے دو عید کے دن دل دکھانا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں اس محبت سے مجبور ہوں جب تک ان کی عظمت بیان نہیں کرتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی پیارے دوستو ذرا غور کرو تکلیف ہوئی تو عید کے دن معاف کر دینا پیارے دوستو قربان جاؤ غیروں پر مسلمان کو فضیلت مسلمانوں میں سنی کو فضیلت سنیاں نہیں دکھ رہے وہی بول رہا ہوں یہ سنیوں کا اجتماع ظاہر ہوتے رہنا چاہیے اجی ہم تو یہ نعرہ میدان محشر میں بھی لگائیں گے لگاؤ گی کہ نہیں لگاؤ گے بغیر دیکھے یہ عالم ہے تو جب جلوہ دکھ جائے گا تو کیا ہوگا ہماری دیوانگی کو کنٹرول کرنا جب ذرا مشکل ہو جائے گا اس لیے دنیا میں اللہ نے پولیس کو رکھا ہماری دیوانگی کو سنبھالنے میدان محشر میں فرشتوں کو رکھا جبریل امین بھی آ جائیں گے ہم کو سنبھالنے دیکھیں گے کہ یہ دیوانے کیسے جھرمٹ میں پاگل پنیر کر رہے ہیں تو پیارے بزرگ اور دوستو الغرض اس محبت کو قائم رکھو خدا کی قسم جب تک یہ سنیت والی محبت باقی رہے گی ہمارا مسلمانیت کا جھنڈا پوری دنیا پر در رہے امتیاز کی طرح لہراتا رہے گا کیونکہ پیارے دوستو مجھے کہنے دو ہم کو فضیلت حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے اور جس طرح دیگر مذاہب پر اسلام کو فضیلت حبیب پاک کی وجہ سے ہے اسی طرح سنی کو ہر مسلمان پر فضیلت غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ہم نے نبی کا دامن چھوڑا ہے ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہے اس کی وجہ سے ہم کو ممتاز اور معزز کر دیا گیا اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کیجئے یہ مقدس کا
कलाम जिसके नुजूल की वजह से रमजान के अंदर लैलतुल कदर और लैलतुल कदर की वजह से रमजान को फजीलत दी गई है। हमने पूछा ए अल्लाह इस कुरान के नुजूल के ताल्लुक से मौला अपने बंदों के लिए कुछ अहकाम नाजिल कर, तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया हमने ये कुरान को अगर पत्थरों पर नाजिल किया होता, कुरान की आयत पढ़ देता हूँ ताकि आपके और मुझको ईमान को तजगी नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लव अंजल्ला हादल कुरान अला जबलिल लराइदहु खाशियां मुतसंदियां मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अगर ये कुरान किसी बड़ी चट्टान पर या पत्थर पर नाजिल किया जाता खशियत इलाही की वजह से सारा पत्थर रेजा रेजा हो जाता, पत्थर नाम की चीज दुनिया में नसीब नहीं होती, वजूद खत्म हो जाता। कुरान की खशियत है, कुरान का जाहो जलाल, कुरान की कैफियत, कुरान का मर्तबा, कुरान का मनसब, क्योंकि वह अल्लाह का कलाम है, इतनी बड़ी शान और अजमत वाला है कि पत्थर जैसी वजनदार चीज पर भी अगर नाजिल हो जाए तो सारी दुनिया से पत्थर का नामो निशान खत्म हो जाए। कुर्बान जाइए रब्बे करीम ने पत्थर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये पत्थर हवा और जमीन दरिया व झाड़ से ज्यादा मजबूत होता है और पत्थर में वजन बर्दाश्त करने की, बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। आप दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखिए उसकी बुनियाद में पत्थर डाले जाते हैं, क्यों? क्योंकि पत्थर वजन बर्दाश्त करता है। लेकिन दोस्तों जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अगर अल्लाह का कलाम किसी पत्थर पर उतार दिया जाता तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम की सिर्फ एक आयत, कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक आयत लेकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दरियाओं पर, पहाड़ों पर, हर जगह आते गए, लेकिन किसी में भी वो ताब नाला नहीं रही, किसी में भी वो हिम्मत नहीं रही, किसी में भी वो कुव्वत नहीं रही कि वो खुदा के कलाम की खशियत तो कैफियत को बर्दाश्त कर सके। जिब्रील अमीन मायूस होकर रब्बे इलाही की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे अल्लाह तेरे कलाम को बर्दाश्त करने की सलाहियत ना तो किसी दरिया में है, ना तो किसी पहाड़ में है, ना तो किसी झाड़ में है, ना तो किसी हवा में है, ना तो किसी इंसान में है, ना तो कोई और शय में है, ना आसमानों में वो कुव्वत है, ना चांद और सूरज में वो कुव्वत है, ना जन्नतों किसी माला में किसी वो कुव्वत है कि ए अल्लाह के तेरे कलाम की कुव्वत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी खशियत तो कैफियत को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रब्बे करीम ने जवाब दिया ए जिब्रील तूने सारी कायनात को छान लिया है, सारी दरियाओं को तो देख लिया, सारे नबातात तो जमादात को तूने देख लिया, सारे हयावानात तो इंसानात को तूने देख लिया, लेकिन ए जिब्रील मैंने जिसके सदके में कायनात बनाई है उस रहमत वाले मुस्तफा को तूने नहीं देखा है, उस रहमत वाले नबी को तूने नहीं देखा है, उस ईशान मुस्तफा को तूने नहीं देखा। ए जिब्रील अब देखने की जरूरत नहीं है, जा रहा है तो देख गारे हीरा में मेरा प्यारा बैठा हुआ है, मेरा नूर गारे हीरा में बैठा हुआ है, मेरा हबीब गारे हीरा में बैठा है। ए जिब्रील अब तन्हा मत जाना और एक आयत लेकर नहीं, पांच आयतें लेकर मेरे मुस्तफा के पास पहुंच जा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम अगर दुनिया वालों को नसीब हो सकता है तो रहमत मुस्तफा के सदके में नसीब हो सकता है। रहमत मुस्तफा नहीं तो फिर ये कलाम अल्लाह के दरबार तक, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दरबार से नहीं आ सकता। रहमत मुस्तफ़ा के लिए कलाम का होना ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों कुर्बान जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस कलाम पर, ये बंदों को मिला ज़रूर है लेकिन खुदा रब्बे ज़ुलजलाल की कसम मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, हबीब पाक के सदक़े में मिला है। हबीब पाक का सीना मुक़द्दस ना होता तो आज ये कलाम इलाही भी ना होता, आज हमारे पास ये अल्लाह का हिदायत वाला कलाम भी ना होता। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम हमें मिला तो हबीब पाक की नालायन पाक के हम कुर्बान जाए उनके सीने अक़दस के सदक़े व तुफ़ैल से मिला है। तमाम
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार ने हमें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद नसीब फरमाया है, और इस कलाम मजीद की अज़मत और शान के हम क़ुरबान जाएँ। मैं थोड़ा माज़रत ख़्वाह आपसे, क्योंकि मेरा जहन टूट गया, माहौल टूट गया। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब जब तक जहन बनेगा, फिर अब नमाज का टाइम हो जाएगा। तो खैर, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दो चार बातें और अर्ज़ कर देता हूँ। तो मौज़े सामईन इकराम, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में गुनहगार उम्मत को, ख़ताकार उम्मत को कुरान मिला है, अब इस उम्मत के ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालन पाक के सदक़े व तुफ़ैल से उस कुरान से मोहब्बत करें और उस कुरान की तालीमात पर अमल करें और उस कुरान एक मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएँ। आइए, हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से कुरान हासिल किए हैं, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी शान व अज़मत और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करने वाले जानिसार सहाबा की चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। सहाबा कराम का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने से पहले मैं आपको इस बात की तरफ इशारा करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर हद दर्जा मोहब्बत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये अल्लाह की सुन्नत है। क्या है वे, ज़रा बोलें, अल्लाह की सुन्नत है। क्योंकि आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में खड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह बेकसपना में नमाज में खड़े हुए हैं, पीछे सहाबाए कराम का कसीर मजमुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक़्त आयात करीमा देकर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजता है। प्यारे जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस कलाम लेकर, उसकी शान व अज़मत वाला कलाम लेकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्यारे नबी की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के कलाम को कर पेश करते हैं। क्या आयत कही बात ही कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई है, قد نرى تقلب وجهك في السماء। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरे को पलटना हम देख रहे हैं, चेहरे को उठाना हम देख रहे हैं। हमने पूछा, मौला उस वक्त तेरे सामने कायनात तो भरी की भरी पड़ी हुई थी, तेरा पूरा कुदरती निजाम पड़ा हुआ था, लेकिन ए अल्लाह, तेरे कलाम से तूने बंदों को यह बता रहा है कि बंदो मैं पूरी कायनात को भी देखता हूं, तो साथ में मुस्तफा के चेहरे के उठाने को भी देखता हूं, हबीब पाक का चेहरा पलटने को भी देखता हूं, हबीब पाक के इशारात को भी देखता हूं, और ना सिर्फ देखता हूं, यह मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि तुम जो कुछ करते हो जिक्र नहीं करता, मगर मेरा मुस्तफा चेहरा भी उठाता है तो कुरान में जिक्र कर देता हूं, मेरा हबीब चेहरा भी उठाता है तो कुरान में जिक्र कर देता हूं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए हबीब पाक अली सलाम, हम आपकी मर्जी के मुताबिक आपको पलट देंगे, हम आपकी खुशी के खातिर इस बात की इजाजत मरहमत करते हैं कि हबीब अपना खिबला बदल लीजिए और काबे मुअज्जमा को अपना खिबला बना लीजिए। प्यारे दोस्तों, हबीब पाक ने हालत नमाज में बैतुल मुकद्दस जो उनका उस वक्त खिबला था, वहां से पलट कर काबे मुअज्जमा को अपना खिबला बना लिया। आज दुनिया का पूरा मुसलमान काबे मुअज्जमा को रुख करके सजदा करता है, काबे मुअज्जमा को रुख करके अपनी इबादत को जो है अल्लाह के दरबार में पेश करता है। लेकिन मैं दुनिया वालों से सवाल करता हूं, ऐ दुनिया वालों बताओ, तुम्हें तो रब ने इबादत का हुक्म दिया, खिबला किसने अता फरमाया है, खिबले का रुख किसने बताया है? खुदा की कसम, यह खिबला खुदा ने नहीं मुस्तफा ने अता फरमाया है, हबीब पाक के तुफैल से मिला है।
कि प्यारे दोस्तों इसीलिए याद रखो हमारे नबी की शान क्या बड़ी शान है। हजरत आदम से लेकर हजरत सुलेमान तक जितने अंबिया थे सारों ने काबे को अपना खिबला बनाया, और हजरत सुलेमान से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया थे सबका खिबला बैतुल मुकद्दस था, सबका रुख एक था, किसी का काबा था तो किसी का बैतुल मुकद्दस था। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे मुस्तफा की अजमत पर, अल्लाह ने चाहा ए हबीब अगर आप भी एक खिबले वाले हो जाएं तो फिर आपकी शान दूसरों पर कैसे जाहिर होगी, आपकी अजमत दूसरों पर कैसे आया होगी। इसलिए ए मेरे मुस्तफा हर नबी का खिबला एक था, लेकिन आप अपने इब्तदाई जमाने में बैतुल मुकद्दस को अपना खिबला बना लो और आखिरी जमाने में काबे को अपना खिबला बना लो, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए सब एक खिबले वाले थे और मुस्तफा दो खिबले वाले हैं। हबीब पाक ने बैतुल मुकद्दस को भी खिबला बनाया, हबीब पाक ने काबे मुअज्जमा को भी अपना खिबला बनाया। इसीलिए प्यारे मुस्तफा को जुल खिबलतैन कहते हैं, दो खिबले वाले मुस्तफा, दो खिबले वाले नबी। अल्लाह ने इनको हर हर एतबार से शान देकर सरफराज फरमाया। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप हमारे नबी की अजमत, हम अपने नबी की अजमत के सदके जाएं। अल्लाह ने ऐसा जीशान नबी, अल्लाह ने ऐसा अजमत व बरकत वाला नबी, अल्लाह ने ऐसा रुतबे वाला नबी गुलामों को बगैर मांगे बगैर पूछे अता कर दिया है। गुलामों का फर्ज बनता है कि वो अपने नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारे, इताअत व फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारे और नबी से कामिल मोहब्बत करे। अजी कैसी कामिल मोहब्बत करना सीखना है तो किसी मौलवी की जरूरत नहीं है, किसी आलिम की जरूरत नहीं है, किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं है, किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की मोहब्बत सीखना है तो सहाबा की सीरत देख लो, हबीब पाक की मोहब्बत नसीब हो जाती है। अजवाज मुतहरात की जिंदगी देख लो, हबीब पाक की मोहब्बत नसीब हो जाती है। क्या है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कौन अखालिस सलाम की जौजा है और अबू सुफियान की बेटी है। अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे, हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के वक्त में अकालिस सलाम ने कुफार मुशरिकीन से जो सुलह फरमाई थी उसकी बिना पर उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा जो तमाम मुसलमानों की माँ हमारे प्यारे नबी की जौजा है, उनसे मुलाकात करने के लिए उनके वालिद हजरत अबू सुफियान जो अभी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे अबू सुफियान तशरीफ लाए, हजरत उम्मे हबीबा के दरवाजे पर दस्तक दिए। उम्मे हबीबा ने अबू सुफियान को घर के अंदर बुलाया और जैसे अबू सुफियान तशरीफ लाए हुजरे में एक छोटा सा बिस्तर पड़ा हुआ था। अबू सुफियान उस बिस्तर पर बैठना चाहते थे क्योंकि अबू सुफियान किसी मामूली आदमी का नाम नहीं था, उस जमाने के बादशाह का नाम था, उस जमाने के खलंदर का नाम था, उस जमाने के शाह का नाम था जो यहूदियों और ईसाइयों की ऊपर जो है दबदबा रखते थे। अबू सुफियान ने पत्थर पर बैठना अपनी जिल्लत समझी और एक बिस्तर पर बैठने लगे। जैसे ही बिस्तर पर बैठना चाहते थे उम्मे हबीबा ने झट से बिस्तर को हटा दिया, बिस्तर को वहां से रौंद दिया, बिस्तर को उन्होंने तय कर दिया। अबू सुफियान ने पूछा बेटी क्या बात है, जो बाप तुम्हारा शाही मसनदों पर बैठता है तुम आज उस बाप के लिए अपने घर में जो पड़ा हुआ बिस्तर है उस पर बैठने नहीं दोगी? खुदा की कसम मुसलमानों उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो, हर बदअकीदा को सुन्नी बनने के लिए जवाब काफी है। उम्मे हबीबा ने जवाब दिया सुनो ए सुफियान, तुम मेरे बाप हो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम मेरे वालिद हो मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, तुम बादशाह हो मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन खुदा की कसम अभी तुम मुसलमान नहीं हुए, तुम नापाक हो, तुम नजिस हो, तुम मुशरिक हो और ये हबीबे पाक के आराम करने का बिस्तर है। मैं इस बिस्तर पर खुदा की कसम जान दे दूंगी, जिल्लत बर्दाश्त करूंगी, बाप को रुसवा कर दूंगी, लेकिन किसी मुशरिक को मुस्तफा के बिस्तर पर बैठने नहीं दूंगी। कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर मुसलमानों, ये सबक हमें उम्मुल मोमिनीन ने सिखाया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बात बात पर कुरान और हदीस के नारे लगाते हैं, कुरान और हदीस से दलील पूछते बदबख्तों। कुरान जिनके जमाने में उतर रहा था ये उनका किरदार है, कुरान का नुजूल जो देख रहे थे ये उनकी जिंदगियों के सीरत पाक है। कुर्बान जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बड़ी जीशान शान से सरफराज फरमाया। आओ ए मुसलमान भाइयों, आज गली गली में कूचे कूचे में सुन्नी मस्जिदों को
अपनी शरारत का शिकार बनाया जा रहा है। किसी मस्जिद में माइक के वायर काटे जाते हैं, किसी मस्जिद में नौजुबिल्लाह सुन्नी नौजवानों पर पुलिस कंप्लेंट किया जा रहा है, किसी मस्जिदों के लिए अपने नाजायज रिश्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है, गुंडों और आवारों को बुलाकर मस्जिद के इमाम और खतीब को धमकाया जाता है। उन बदबख्त और इंतशार पसंद शर पसंदाना कौम को आज ईद के दिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तुम गुंडों की मदद लेते हो ले लो, तुम पुलिस का सहारा लेते हो ले लो, तुम अपने वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल करते हो कर लो, तुम अपने नाजायज रिश्तों का इस्तेमाल करते हो कर लो, खुदा की कसम तुम्हारे साथ ये दुनिया वाले हैं और सुन्नियों के साथ मदीने वाले मुस्तफा का सहारा है। हम किसी को देखकर किसी से मुकाबला नहीं करते, हम मदीने वाले मुस्तफा को देखकर आगे बढ़ते हैं और हमारा ईमान है जहां गुलाम मुस्तफा खड़ा होगा वहां मदीने वाले नबी की मदद नसीब हो जाएगी। मदीने वाले नबी का सहारा होगा, मदीने वाले नबी का सहारा आ जाएगा, मदीने वाले नबी के हम गुलाम हैं, हमें दुनिया के किसी इंसान की मदद नहीं, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मदद काफ़ी है। प्यारे भाइयों, काफ़ी बड़ा मजमू आ रहा है और आज माशाल्लाह बहुत बड़ा इंतज़ाम हुआ है, आप सभीों से ख्वाहिश की जाए थोड़ा आगे बढ़ जाइए, सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए, आप जानवे अदब बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा जल्दी से आगे आ जाए। जितने भी सुन्नी नौजवान, जितने भी अहले सुन्नत के दाई अपने मोहल्लों में, अपने खरियों में, अपने इलाकों में अहले सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनके लिए खुशखबरी वाला मुजदा सुना देता हूँ। खुदाए रब्बे जुलजलाल की कसम है, सुन्नियत की खिदमत करने वाले नौजवानों, तुम उस वक़्त तक अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना जब तक तुम इस खिदमत पर मामूर हो, क्योंकि हबीबे पाक इरशाद फरमाते जो मेरे दीन की खिदमत करता है मैं उसे हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाता हूँ। हबीबे पाक का सहारा हमारे साथ है, नबी मुअज्जम की शान हमारे साथ है, इन कच्चे लोगों से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फजल, नबी पाक की खिदमत हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक करते रहेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब ज़रा आप और आगे देखते चलें तो पता चलता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर मोहब्बत फरमाता है कि आज हम देख रहे हैं कि सहाबाए कराम के दिलों में जो मोहब्बत अल्लाह ने दाखिल की है, अल्लाह ने उस मोहब्बत को इसलिए दाखिल की ताकि क़यामत तक आने वाली सारी कौम के लिए वो मोहब्बत मिसाल बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, बताओ सहाबा से बढ़कर अच्छा मुसलमान कौन हो सकता है, सहाबा से बढ़कर आबिद व ज़ाहिद मुत्तकी परहेज़गार कौन हो सकता है, सहाबा से बढ़कर शान व अज़मत वाला रिफ़त व बुलंद दर्जे वाला कौन हो सकता है, सहाबा से ज़्यादा लोगों के लिए आइडियल बनने वाली ज़ात और कौन हो सकती है, खुदा की कसम कोई नहीं हो सकती। अंबिया के बाद अगर कोई मुअज्जज़ है तो वो मुकद्दस सहाबा की जमात है। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ सहाबा की मुकद्दस जिंदगियों पर, एक मरतबा हजरत साद बिन अबी विकास रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, अशराए मुबशरा में से है, और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों आपस में मुलाकात हुई और हजरत साद बिन अबी विकास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा कि लोगों के कहा मैं आज दुआ करता हूँ, आप आमीन करें, और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा मैं दुआ करता हूँ, आप भी आमीन कहें। दोनों एक कोने में गए और हजरत साद बिन अबी विकास ने दुआ की, ए अल्लाह तेरे हबीब ने हमें आवाज़ दी है, मैदान जंग के लिए हमको बुलाया है, मौला हम मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हैं, ऐ परवरदिगार जब हम मैदान जंग में जाए बड़े ताकतवर बड़े कुव्वत वाले बड़े अजमत वाले काफिर पहलवान से हमारा सामना करना ताकि हम उसको खूब तेरी मोहब्बत में मारते रहें और आखिरकार उसके हाथ से हम जाम शहादत नोश कर लें। हजरत साद बिन अबी विकास ने दुआ की, फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने आमीन कहा, फिर अब ये दुआ करते हैं और हजरत साद बिन अबी विकास आमीन कहते, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने क्या दुआ की, ईमान ताजा हो जाएगा मुसलमानों सुन लो, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ की, ए अल्लाह कल जब मैं मैदान जंग में पहुंचूंगा तो मौला मेरा मुकाबला किसी काफिर पहलवान से करना,
ताकि मैं उससे खूब लड़ता रहूं और कई लोगों की गर्दनों को नीचे गिराऊं। और आखिरकार मौला, एक वक्त ऐसा आए कि मैं भी उस मैदान में जंग में शहीद हो जाऊं। और ए अल्लाह, जब मैं शहादत पाऊं तो उस वक्त मेरे कान और मेरी नाक और मेरी आंख और मेरे जिस्म को ये कुफार अपनी तलवारों से काट दें। हजरत साद बिन अबी वकास रो पड़े, पूछा क्या बात है अब्दुल्ला, ऐसी तमन्ना क्यों कर रहे हो, ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो कि तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, तुम्हारे कान, तुम्हारा जिस्म काट लिया जाए। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, इसलिए कि जब बरोज़े महशर में उसी हालत में उठाया जाऊंगा कि मेरे कान कटे हुए हैं, मेरी आंख कटी हुई है, मेरा जिस्म फटा हुआ है, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, मुझको उसी हाल में दफनाया जाएगा, बरोज़े महशर उसी हाल में उठूंगा और मौला पूछेगा, ऐ अब्दुल्ला तू ऐसे कटा हुआ क्यों आया, तो जवाब दूंगा, मौला तेरे और तेरे नबी की मोहब्बत में मैदान जंग में कट गया था, काफिरों ने मुझे काटा था। ए अल्लाह, मैं तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत में जहां शहीद हुआ था, तेरे दीन की पासबानी के लिए शहीद हुआ था, यह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जुमला हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश के कलिमात है। सहाबा मोहब्बत मुस्तफ़ा में जान देना पसंद करते थे, उन्हें यह सबक इश्क किसी हदीस ने नहीं, उनके रब ने उनके दिलों में डाला था, क्योंकि जन्नती लोगों की अलामत यह है वो हबीब पाक की मोहब्बत में सरशार होते हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं नमजमात के खड़े होने के लिए, जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएं जो लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक ईमान को ताज़ा करने वाली बात कह देता हूँ, उससे पहले एक मरतबा अल्लाह की बारगाह बेकसपना में हम सब मिलकर तकबीर वाली, पीछे तक जितने मुसलमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमू यूसुफ गुड़े का, अल्लाह के करम के हम सदक़े जाएँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस सुन्नियों के इज्तिमा को नज़रबद से बचा ले, इस इज्तिमा में बैठने वाले हर मुसलमान को अल्लाह सही अकीदा सुन्नी मुसलमान बना दे, और सही जो सुन्नी है उसको अपने ईमान पर कायम रखे। एक मरतबा बाबा आवाज़ बुलंद मेरे साथ पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर प्यारे दोस्तों, एक बात उसी सहाबा के मोहब्बत की बात बताता हूँ, क्योंकि दुनिया का हर मौलवी आपको बहका सकता है लेकिन सहाबा की ज़िंदगी में तो कोई ख़ता और कोई लफ्जिश नहीं हो सकती। जो हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़रा जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर जमात खड़ी की जाएगी, 5 मिनट के अंदर जगह जो इंशाल्लाह जमात खड़ी जाएगी, ऑलरेडी 15 मिनट बढ़ चुके हैं। जो लोग तशरीफ़ ला रहे हैं ज़रा जल्दी जल्दी तशरीफ़ ला लीजिए, एक आखिरी बात समाप्त कर लें। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए सहाबा इकराम की मुकद्दस ज़िंदगियों पर, जिन्होंने अपने नबी से हद दर्जा मोहब्बत की और हमको बता दिया, दुनिया वालों अगर जन्नत में तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो हम वैसे वैसी ही तुम मोहब्बत करो जैसे मुस्तफ़ा से हमने मोहब्बत की है, तुम वैसी ही ज़िंदगी गुजारो हमने नबी के साथ जैसी ज़िंदगी गुजारी है। प्यारे दोस्तों बताओ, जंगे ओहद की बात है, मुस्तफ़ा को कुफार मुशरिकीन यहूद नसारा ने अपने निर्गे में ले लिया, अपने आका अलैहिस्सलाम को घेर लिया, कुफार मुशरिकीन आ गए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर तलविया और बरछियार चलाने लगे, आका अलैहिस्सलाम सबसे अपना बचाव कर रहे हैं, हजरत उमर लोगों के दरमियान, सहाबा के दरमियान मेरे नबी को ढूंढते हैं, हुजूर कहीं नहीं मिलते, बड़े ढूंढते हुए कुफार के नरगे में कूद पड़ते हैं और वहां ढूंढते हैं, प्यारे मुस्तफा दिखे रहे नहीं है, बेचैन और बेकरार हो जाते, रोते रोते कुफार और मुशरिकीन के दरमियान हजरत उमर प्यारे मुस्तफा को ढूंढते हैं, तो बीचों बीच हजरत उमर की निगाह प्यारे रहमतुल आलमीन पर पड़ती है, क्या देखते हैं कि सहाबा क्या देखते हैं कि यहूदो नसारा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर तलवार और बर्छियाँ चला रहे हैं, आका अपना बचाव कर रहे हैं, हजरत उमर की जान निकल जाती, उमर ने पलट कर जवाब दिया, ऐ अली सहाबा का लश्कर लेकर इधर आओ,
मुस्तफ़ा को कुफार मुशरिकीन ने घेर लिया है। हजरत उमर तशरीफ लाते, ईमान की बात बता रहा हूँ, सुन लो मुसलमान भाइयों, हजरत उमर तशरीफ लाते हजरत अली के साथ बड़ा लश्कर लेकर हुजूर और कुफार के दरमियान में हाइल हो जाते। जब घुस जाते हुजूर का तहफ्फुज़ चंद सहाबा करके हुजूर को लेकर निकलते। लेकर निकलने से पहले का मंजर जो हदीस पाक में है वो बताता हूँ कि हजरत उमर जब घुसे थे, अली उल मुर्तजा भी घुसे, सहाबा भी घुसे, कसम खुदा की सारों का चेहरा मुस्तफा की तरफ था, चेहरा मुस्तफा की तरफ था। इधर कुफार है, मुकाबला इनको करना है, इनको मारना है, इनको भगाना है, चेहरा इधर होना चाहिए था, चेहरा इधर नहीं, चेहरा मुस्तफा की तरफ है। हजरत उमर पलट कर वार कर रहे, अली पलट कर वार कर रहे, मुस्तफा की तरफ से चेहरा नहीं फेरते। जब जंग खत्म हुई, प्यारे मुस्तफा ने खुद पूछा, ऐ उमर जब तुम बीच में आए थे तो तुम्हारे को पलटना चाहिए था कुफार की तरफ, लड़ना चाहिए था कुफार से, और मैं देख रहा था तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ था, तुम कुफार को पीट करके मुकाबला कर रहे थे, क्या बात थी? तो उमर इब्ने खत्ताब अलीजुल मुर्तजा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपके ये गुलाम जान देना गवारा करते हैं, मरना पसंद करते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाए गवारा करते हैं, लेकिन मुस्तफा को पीठ बताना गवारा नहीं करते। या रसूल अल्लाह, अगर हम पलट जाते कुफार से तो लड़ लेते, आखा की बेअदबी होती तो ईमान गारत हो जाता, हम जंग भी चाहते थे, तहफ्फुज़ ईमान भी चाहते थे, इसलिए या रसूल अल्लाह हमने जंग भी की, अपने ईमान का भी तहफ्फुज़ किया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब नमाज जमात खड़ी होगी, अलगर्स दो मिनट के अंदर जमात खड़ी हो जाएगी। जो भाई तशरीफ़ ला रहे हैं जल्दी जल्दी तशरीफ़ ला रहे हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज का तरीक़ा भी समाअत फरमा लीजिए। उससे कबल एक आखिरी गुजारिश, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इस नेमत पर खुदा के जितने भी कुर्बान जाएँ, सदक़े जाएँ, वारे जाएँ, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर ज़िंदगी गुजार लें तो कम है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत में पैदा किया, अल्लाह ने हमें नबी पाक के ग़ुलामों में पैदा किया। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, इनकी उनकी आजकल के मौलवियों फितनेबाजों की बातों को सुनकर अपने ईमान को ख़राब मत करो। किसी की बातों को सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आजकल के निकले हुए फ़िरक़े और तबकों और फ़िरक़ों की बात मत सुनो। हम मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के मानने वाले हैं। हर एक के जमात के मौलवी का नाम कुछ भी होगा, किसी भी जमात का कोई भी फाउंडर आज का होगा 80 साल 70 साल 50 साल 150 साल पुराना होगा, हमारे जमात के फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और वो 1400 साल से इस जमात के बानी व नाज़िम है, हम सब उसके दाई व मुबल्लिग हैं। वमा अलैना इल्लल बला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं ज़रा जल्दी जल्दी आ जाए।